नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे बीएस लाइव न्यूज चैनल। मां अन्नपूर्णा रसोई के एक वर्ष पूर्ण होने पर दानदाताओं को सम्मानित किया गया। नगर में जरूरतमंदों की सेवा के लिए संचालित मां अन्नपूर्णा रसोई के एक वर्ष पूर्ण होने पर समारोह पूर्वक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा नेता धर्मेंद्र गिरिमोंटी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। माँ अन्नपूर्णा रसोई सेवा समिति के महामंत्री समाजसेवी सत्यप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि रसोई का संचालन जरूरतमंद लोगों के लिए चलाने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस पुनीत कार्य को करने का अवसर दिया। मुख्य अतिथि भाजपा नेता ने प्रतिदिन रसोई में दान देने वाले 230 दानदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते हुए कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने रसोई का संचालन कर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिससे श्रद्धालुओं, जरूरतमंदों, गरीब एवं निराश्रितों के लिए 10 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था की। कोषाध्यक्ष आदर्श सोनी ने एक वर्ष का ब्यौरा देते हुए कहा कि कुल 19,05,894 रुपये दानदाताओं से प्राप्त हुए तथा 18,16,305 व्यय हुआ। समाजसेवी केशव अग्रवाल ने रसोई के लिए सोलर प्लांट देने की घोषणा की। माँ अन्नपूर्णा रसोई के संचालक नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने सभी दानदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छोटी काशी गोला भगवान शिव जी की नगरी है। यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का आना रहता है तथा अनेकानेक लोग जीविकोपार्जन के लिए यहाँ मजदूरी करने आते हैं। उन सबके लिए 10 रुपये में भरपेट भोजन के लिए समाज के सहयोग से नरसेवा नारायण सेवा के भाव के साथ निरंतर चलती रहेंगी। तारांकन। इस अवसर पर BHL के लीगल मैनेजर अवनी कुमार पांडे, समाजसेवी केशव अग्रवाल, के गुप्ता, तहसीलदार सुखबीर सिंह, पंडित रामदेव शास्त्री, धर्मेंद्र सिंह, शिव कुमार बाजपाई पिंटू, मिथिलेश सिंह, शिव मंदिर के मुख्य पुजारी दिनेश मिश्रा, घनश्याम अग्रवाल, सत्य प्रकाश अग्रवाल, आदर्श सोनी, रसोई संचालक गौरव ज्ञान त्रिपाठी, सौरभ दीक्षित, विनोद स्वर्णकार, सुमित शाह, अरुण अवस्थी, जगमोहन वाल्मीकि, नाथुलाल अवस्थी, श्रवण माहेश्वरी, आशीष गुप्ता, अविनाश गुप्ता जी, नगर अध्यक्ष भाजपा शत्रुघ्न मिश्रा, धीरज बाजपेयी जी, रविंद्र कटियार, पंकज बाजपेयी जी, रामेंद्र शुक्ला जी, अशोक सक्सेना जी, जमाल अहमद सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। और आप देख रहे हैं BS लाइव न्यूज चैनल। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। संख्या नहीं आई तो भाई साहब सत्यप्रकाश जी ने कहा बाहर निकल के कि आप हिम्मत मार रहा हो, व्यवस्था हम करेंगे। पंकज यादव जी हमारे बीच नहीं आ गया कार्यक्रम में उपस्थित, उन्होंने कहा नहीं चलाई रसोई, हम व्यवस्था पूरी करेंगे। 25-30 लोगों से 5,000 रुपए की योजना बनी और वो योजना धीरे धीरे बढ़ती रही, 5,000 रुपए चलते रहे। जब शुरुआत हुई तो अग्रवाल सभा ने हमें कहा, अतुल अग्रवाल जी नहीं है यहाँ, भाई साहब घनश्याम जी हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा मैं सहयोग करूंगा, बढ़ाए मैं हूं और 28-30 हज़ार रुपए से लग रहा बर्तन इन्होंने रसोई के दे दिए। आनंद त्रिवेदी जी ने कहा कि हमारे यहाँ जो मिस चलती है हम चला लेंगे, वो मशीन हम आपको दे देंगे। तो आनंद दादा की रसोई, तो इस धनराशि को केशव भैया ने कहा हम तो अपने कि पैसा ज्यादा पड़ जाएगा इसको करेंगे क्या, तो इसलिए 3,000 कर दिया और 3,000 में लगभग 15 से हमारे बीच में है पवन दीक्षित जी जो गोला में सौम्य एजेंसी दवा व्यवसायी है, समाज सेवी है, हमारे साथ उपस्थित है, आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। पवन दीक्षित जी, आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।